फ्रेंड्स, हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, जॉइन विद अस। और इस इनिशिएटिव में हम आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स। और हॉर्टिकल्चर ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बहुत सारे वीडियोस, MCQs, discussions, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है हमारा विच इज़ एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव CET फोरम, एंड ग्रुप है MCRPG CET। वहाँ पे भी जाके आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हो और अलग अलग करंट अफेयर्स जो डेली आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे न्यू वैकेंसीज के। तो दैट्स द इनिशिएटिव ऑफ आस, सो लेट्स जॉइन विद आस। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। एंड फर्स्ट वन, अंडर मनरेगा त्रिपुरा स्टेट क्रिएट्स जॉब फॉर दोज प्रैक्टिसाइजिंग सम कल्टिवेशन। सो अंडर मनरेगा त्रिपुरा सरकार ने जो भी लोग सम कल्टिवेशन करते हैं उनके लिए जॉब तो प्रोवाइड करा ही है, उसके साथ उन्होंने उनको सीड्स भी प्रोवाइड करे हैं अंडर द साहित्य प्रकल्प। एंड व्हाट इज़ मनरेगा? मनरेगा इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच इज़ पास्ड इन 2005 एंड लॉन्च्ड इन 2006। एंड व्हाट्स द ज़म कल्टिवेशन? जम कल्टिवेशन इज़ अ बेसिकली शिफ्टिंग कल्टिवेशन और उसमें हार्डली 2 या 3 साल खेती करी जाती है और उसके बाद खेती की उपज ख़त्म हो जाने के बाद उस भूमि को छोड़कर दूसरे भूमि में जाके खेती करी जाती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन एज वेल। ड्यू टू दिस लॉकडाउन सभी एग्रीकल्चर को छोड़ के जो इंडस्ट्रीज है वो कोलैप्स हो चुकी है, बट agriculture grew to be 3% in this year. In this lockdown period there is hope of light that Indian agriculture growth will be 3%, which add at this 0.5 in GDP in 2020 and 21, said by Ramesh Chand, which is the member of Niti Aayog. So that's really good news for agriculture. आई होप एग्रीकल्चर के अच्छे दिन अब शुरुआत हो चुके हैं। थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर है, कश्मीर सैफ्रॉन गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो व्हाट इज़ GI टैग? GI टैग विच गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया विच इंडिकेट्स द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ दैट एरिया। और जियोग्राफिकल टैग की वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स टू एनहांस द डिमांड ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट सेल करना, उसकी डिमांड बढ़ाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज डाला है, जो भी इंडिया के अलग अलग रीजन के अलग अलग GI टैग्स हैं वो हमारे MCRPG CET फोरम का जो ग्रुप है वहाँ पे आप जाके डिस्कस कर सकते हो, डाल सकते हो। सो दैट्स द एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। हेलो ऑल एग्रीकॉस फ्रेंड्स, टुडे वी आर कमिंग विद अ हॉर्टिकल्चर कलरफुल टॉपिक विच इज फ्लोरिकल्चर, मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर्स। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे आपने सजेस्ट करा था कि एक्सप्लेनेशन के साथ में हमें MCQ भी प्रोवाइड करो, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, नॉट ओनली फॉर स्टडीज़ बट हमारा एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन उसमें कवर हो जाएगा। सो वी आर कमिंग विद दैट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम MCQs। सो आपने अगर ज्वाइन हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और अदर जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड संपूर्ण एग्रीकल्चर नॉलेज है वो पा सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्लोरिकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन, ओसाका गार्डन इज सिचुएटेड इन -- कंट्री एंड द राइट आंसर इज जापान। ओसाका गार्डन सिचुएटेड इन जापान। देन ईरान,
In Iran, Paradise Garden, which is Charbagh, is situated. And in USA, Missouri Botanical Garden is situated, which is situated by the St. Louis. And in Pakistan, which is Lahore City. In Lahore City, Dilkusha Garden is situated, which is by Jahangir. Let's see second question. National flower of Netherlands is, and the right answer is A, tulip. Or other than जो मैं question and answer के अलावा जो भी information बता रही हूँ वो भी like MCQs है, very important questions and answers है, so remember that also. अब B, rose. Rose is a national flower of Iran. And then cornflower. Cornflower is a national flower of Germany. And chrysanthemum is a national flower of Japan. Third question hai, which of the following is directly associated with export of flowers? And the right answer is D, apeda, which means Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, and the headquarters in New Delhi, and which is founded in 1986. And first hai ICAR, which means Indian Council of Agriculture Research, aur same iska bhi headquarter New Delhi mein hi hai, aur which is founded in 10 July 1929. Then second B, which is NHB, means National Housing Bank. And same iska headquarter in New Delhi, founded in 9th of July 1988. Then C hai NAFEDA, which means National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, and which is same headquarter in New Delhi and founded in 2nd October 1958, which is the birth date of Mahatma Gandhi. So this is all for today. So really thank you for watching our video. So subscribe us for more videos, and your motivation is very important us to do more and more videos. So really subscribe and hit bell icon for the more notifications. Thank you.